हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज़ हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज़ होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज़ किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज़ हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज़ होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज़ किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज़ हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज़ होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज़ किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे।
आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है।
अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर
न ले चुके हैं। वह इसको आप OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको आप OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको आप OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल
और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडलर ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं वह इसको आप OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडलर ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं वह इसको आप OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडलर ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है।
इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है।
ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडलर ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमाघर न ले चुके हैं वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडलर ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमाघर न ले चुके हैं वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडलर ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म
OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है, जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज़ हो रही है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है, जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज़ हो रही है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं, वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है, जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग
3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतजार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्या पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतजार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्या पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतजार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्या पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम
ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमाघर न ले चुके हैं, वह इसको आप OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमाघर न ले चुके हैं, वह इसको आप OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमाघर न ले चुके हैं, वह इसको आप OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।
जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज़ हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज़ होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज़ किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज़ हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज़ होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज़ किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज़ हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज़ होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज़ किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज़ हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज़ होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज़ किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT पर रिलीज़ हो रही है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम ड्रीम गर्ल 2 OTT रिलीज़ होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस फिल्म कॉमेडी फिल्म को OTT पर रिलीज़ किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ये फिल्म 20 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाली है। इस तरह से जो दर्शक इस फिल्म का लुत्फ सिनेमा घर न ले चुके हैं वह इसको अब OTT पर देख सकते हैं। ड्रीम गर्ल 2 कॉमेडी फिल्म है जिसके पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना, नुसर भारूचा, विजय राज और मनजोत सिंह हम किरदार में नजर आए थे। आइए एक नज़र ड्रीम गर्ल के बॉक्स ऑफिस
रिपोर्ट पर डालते हैं। ड्रीम गर्ल 2 का बजट लगभग 35 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म ने अपने लागत का लगभग 3 गुना बॉक्स ऑफिस पर वसूल कर लिया है। इस तरह लंबे इंतज़ार के बाद अब फैन को अपनी पसंद की फिल्म OTT पर देखने का मौका मिल सकता है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और विजय राज के अलावा अनन्य पांडे, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आए। फिल्म को राज शेडल्या ने डायरेक्ट किया है। इस तरह ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट भी दर्शकों को पसंद आया था और दूसरा पार्ट भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब ये फिल्म OTT पर उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पर कभी भी देख सकते हो आप।